नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। मैं हूं सुदामा वर्मा। साथियों, आज हम लोग जोरातरई के एक सफल फार्मर के पास में मुलाकात करने के लिए आए हैं, जो धान की बहुत ही सफल खेती कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं धान के सफल कृषक भाई राजेश वर्मा जी से उनकी सफलता के राज। तो भैया राजेश वर्मा जी, आपके हमारे छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो भैया, आप दो तरफ आपके दोनों खेत में अलग अलग वैरायटी के धान लगे हैं, तो सबसे पहली तो आप कौन कौन से वैरायटी के धान लगा हो, एक बारे में थोड़ा बताओ भैया। पायोनियर के 27-38 पी पायोनियर के है ना। अच्छा, अब ये पार जो लगे है बायर के 84-33। अच्छा, बायर के 84-33। तो बाली तो लगभग दोनों मूल समान लगत भैया, बल्कि एकर जो बाली है पायोनियर के है ना, ये है मतलब एकर से ज्यादा अच्छा लगत है, वो एक बीता से ज्यादा है बाली। हाँ, तो है ना, वो मोटाई भी है में। हाँ, और ये जो 84-33 है, ये है बाली, लंबाई तो लगभग अच्छा है लेकिन मोटाई थोड़ा कम लगत मूला, है ना, दाना पतला था, ये थोड़ा दाना मोटा लगत है। अच्छा, तो भैया आप मन है 84-33 के खेती कब से करत हो? दो तीन साल। अच्छा, तो 4 साल के लगभग। 4 साल हो गए। अब ये पायोनियर वाले पहली बार डेमो डाले हैं। डेमो है, फर्स्ट दिए है। अच्छा, कंपनी वाले। अच्छा, इसको डाले हैं। अच्छा, तो कहना चाहिए जैसे 84-33 तो आप 3-4 साल से करत हो। हाँ। तो इसमें एक एकड़ में कर उत्पादन कतेक बैठ जाते हैं? वो कहा है, हर साल खेती कर बिना थोड़ा पैदावार कम आ जाते हैं, और शुरू 1-2 साल तो अच्छा तगड़ा होते। अच्छा, तो पहले जिसे करे हो तो कतेक आरी से कर उत्पादन? 28-29 के कुंटल के आसपास लोए ना। अच्छा, एक एकड़ में। एक एकड़ में। अरे वाह, क्या बात है। अभी वहाँ सामने स्कूल मेरा और एक डोली है। देखे ना उसके लिए। बेहतरीन धान। अच्छा, नहीं हमला तो यही धान एकदम बहुत अच्छा लगत भैया, दिखे में इतना कमाल के धान लगत है, बलील देख के दिल गदगद हो गए। तो एकर खातु माटी के प्रबंधन कैसे करते हो भैया? कौन ढंग से आप मन एक रोपा लगाते हो, कौन ढंग से एक तैयारी करते हो, थोड़ा बताओ ना। तैयारी रोपा में आप मन है कुछ खाद वाद डालते हो? खाद डाले हैं रोपा के समय, डीएपी यूरिया। अच्छा, हल्का हल्का मात्रा में। अच्छा, कम मात्रा में करके मैंने ओकर बाद में फिर डबल खाद डाले हैं। अच्छा, तो पहली खाद रोपा लगा हो समय डाले? हाँ, उस समय डाले हैं। तो उस समय कतका कतका डाले हो, थोड़ा बताओ मात्रा। वो लगभग 20 किलो डीएपी डलाया होगी, 1 किलो यूरिया। अच्छा, और पोटास कर, पोटास। तो ओकर बाद फिर दूसरा खाद कब डाले? दूसरा खाद में मतलब यूरिया डाला है 20 किलो। हाँ, और 20-22 किलो के आसपास मतलब। अच्छा, और दाने डाले हैं दानादार। दानादार, हाँ, फटेरा भी छीते रहे हैं। अच्छा, मिला के। तो इसमें बीमारी कतेक लगी भैया आप मन के 84-33 में? फिलहाल वर्तमान में तना छेदक बस से बीमारी से अभी एक बार, दो बार हो गए स्प्रे, अभी चेस भी डाले हैं। अच्छा, चेस यानी कि महू के लिए? हाँ, महू के लिए डाल चुके हैं इसमें, पूरा खाद में डाला। अच्छा, तो ये तना छेदक कहीं कहीं मुल नजर आता भैया इक्का दुक्का, तो ये तना छेदक पर आप मन कौन से दवाई डाले रहे हो, रोकथाम होइस कि नहीं होइस? सीपीएल डाले रहे जो एफएनसी कंपनी दिए थे। अच्छा, मतलब लॉन्च नहीं करे है। हाँ, मतलब कम्प्रोमाइज से। हाँ, वही वाले डाले सीपीएल। तो मोला इसे लगत भैया कि तना छेदक जिन आप दवाई डाले हो वह सही ढंग से 100% काम नहीं करे, समय थोड़ा ज्यादा है ना। तो समय दवाई नहीं डाले, समय डाली नहीं रही से। हाँ, तो समय में दवाई नहीं डाले है का। अच्छा, ऊपर वाले पानी से निकली तो का कर, बाद में डाले हैं। यही वही हाल। तो ये जो पायोनियर वाले है इनमें भी लगभग खाद के मात्रा उतको उतके डाले हैं, डाला है ना सब, अपना पूरा मिला के इसमें डाला है सब। अच्छा, एकड़ बना के अपन डाले हैं। तो ये जो पायोनियर वाले धान है भैया, एक अंदाज कतेक बीट सकते है उत्पादन जिन हिसाब से बाल छाड़े है? अच्छा, जो एक जो घसा घस पेड़ होना जितना वो। हाँ, ए धान पेड़ बने सो धान ये पेड़ नहीं बना पाए, थोड़ा सिंगल। हाँ, सिंगल टाइप के दो गाड़ी चार गाड़ी एकदम खड़ी खड़ी हो गई। हाँ, हाँ, ये धान अच्छी दर थे। हाँ, हाँ, ये थोड़ा से गहना चाहिए, ज्यादा ग्रोथ है, ज्यादा पेड़ भी है, ये इस समय लग गए देख ले एकदम नहीं है, बाली भर है तगड़ा, बाली बहुत अच्छा है। फिर भी एक अंदाज कतेक बीट सकते है उत्पादन? हम क्या आकलन बताऊं, 84-33 के हिसाब से 10-15 क्विंटल के आसपास। हाँ, इसे 10-12 क्विंटल मान के चल अभी तो। अच्छा, अब पहली बार है डेमो हरे? हाँ, डेमो हरे, इसलिए मतलब एक टारगेट हम लोग खुद मालूम नहीं। अच्छा, ये तो देखें तो मोटा चीज एकदम दान। हाँ, दान माया जी से नहीं, मोटा छोटे। हाँ, रूप में। अच्छा, लेकिन बाली बहुत अच्छा लगत भैया, ये तो आप नाप के देखो। डेमो जो नाइस ना तो धान आना इसे गोदकर ही से। हाँ, हाँ, एकर से मोटा, एकर से मोटा। हाँ, एकर से मोटा। अच्छा, एक बार भी नहीं आया था होले, ये पतला के ग्रेड में चल दी।
लगभग। अच्छा, अलग अलग हम लगा है उसमें कम पड़ी ना, एक पाकिट हम लगा है ना, आधा एकड़ है समझ जा। अच्छा, एक पाकिट धान खत्म हो में एक पेड़ कोई खराब नहीं हो। तो ये दोनों में से आप कते धान बेहतर लगा थे उत्पादन के दृष्टिकोण से? अच्छा, अभी मतलब ये है वर्तमान में बाली एकर बेहतरीन दिखा थे, देखो पायोनियर बढ़ जाए तो अच्छा है। अच्छा हाँ, अब उत्पादन आए बाद में समझ में ही है ना, कटे बाद में। और बाली भी मतलब नीचे कार ले पोखाए भी है। आप नाप के देखो तो भैया कते है एक लंबाई, एक बीते से ज्यादा लगभग लगभग। हाँ, बाली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया छाते है, ग्रोथ है का, बाली बेहतरीन आए। हाँ, प्लस मेडन उडन भी डला है साथ में, बता मकड़ी वाला। अच्छा, पूरा पाँच छह एकड़ खान है, पूरा डला है मेडन। अच्छा, सबके लिए बायोफेंसिन है। हाँ, रासायनिक दवाई मंडल आए। तो ओवरऑल तो खेती बहुत बढ़िया दिखत भैया, फसल भी बहुत बढ़िया है ना। तो चलो ठीक है भैया, आप मन है अपन कीमती समय निकाल के हमार कहना चाहिए वीडियो बनाए हो, एकर लिए आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद भैया।